आज हम बनाएंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स प्याज की सब्जी। बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बिल्कुल भी समय भी नहीं लगता है। और एक बार इस सब्जी को आप जरूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का समय न लेते हुए चलिए हम बताते हैं इस प्याज की सब्जी को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको बनाने के लिए प्याज की सब्जी को हम लेंगे अदरक, लहसुन और टमाटर। तो फ्रेंड्स टमाटर हमने धो लिया हुआ है और दो टमाटर को इस मिक्सी जार में डाल करके पीस करके तैयार कर लेना है। तो देखिए अभी हमें इसका जो मतलब पेस्ट तैयार कर लूँगी टमाटर, लहसुन और अदरक का, और इसके बाद इसको मैं रख दूँगी साइड में। तो अब देख पा रहे हैं टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है। इधर हमने लिया हुआ है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और इसके बाद इसमें डालेंगे जीरा, सौंफ, मेथी और हींग। हींग का तड़का सब्जी में बहुत ही बेस्ट होता है। इसके बाद जब ये तड़का हमारा अच्छे से मतलब तड़क जाएगा तब फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे हम एक प्याज को काट करके। एक प्याज को हमने बारीक काट के डाल दिया है। अब इनको थोड़ा हम फ्रेंड्स भून लेंगे। भूनना बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे प्याज सॉफ्ट हो जाने चाहिए तो समझ लीजिए ये हमारा प्याज अच्छे से भून गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनने से ये प्याज गलती नहीं है और इसीलिए हम बस उसको सॉफ्ट करेंगे। अब हमने भून लिया, इसके बाद इसमें मसाले डाल देंगे। इसमें 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और धनिया पाउडर है पूरे भर के 1 चम्मच, और इन सबको हम मिला लेंगे। तो जिससे मसाले हमारे जले ना, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी मिलाएंगे पानी, 2 चम्मच करीबन इसमें पानी मिलाएंगे तो जो मसाले हैं ना तो अच्छे से भून जाएंगे। अगर इस तरह से मसाले से हम सिर्फ भूनेंगे तो मसाले जल भी सकते हैं, इसीलिए इसमें 2 चम्मच पानी डाल दे रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें 2 चम्मच में पानी डाल दिया है, 1 से 2 चम्मच ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद देखिए ये जो मसालों के साथ जब पानी मिल जाएगा तो ये मसाले हमारे जलेंगे नहीं और ये हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके बाद इसमें फ्रेंड्स हम डाल देंगे जो टमाटर का पेस्ट हमने मतलब अदरक और लहसुन टमाटर का पेस्ट है उसको इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद जो उसमें जार में लगा था टमाटर उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद इसको भूनेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनना है कि जिससे मतलब इस मसाले तेल छोड़ दे। तो इसके लिए हम ज़्यादा चलाएंगे इसको नहीं, इसको ढक करके ही इसको भूनेंगे। ढक करके चला मतलब पकाने से ये जो मसाले हैं ना तेल छोड़ देंगे और जल्दी से भून भी जाएगा। तो इधर हमने देखिए 1 से 2 मिनट ऐसे ढक देना है, और ढक करके इसको हम देखिए मसाले हैं तेल छोड़ दिए हैं तो ये भून गए हैं। तो देखिए आप लोग कितने अच्छे से मसाले भून गए, बिल्कुल भी समय नहीं लगा है ढक कर भूनने से। इसके बाद इसमें फ्रेंड डाल देंगे दही। तो बहुत लोग होता है कि दही डालते हैं तो लोगों की जो ग्रेवी फट जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें और इसको 2 चम्मच इसमें दही डाल देंगे और तुरंत इसको चलाएंगे तो बिल्कुल भी जो मसाले हैं फटेंगे नहीं। तो इस तरह देखिए हम लगातार चलाएं और बिल्कुल भी मसाले फटे नहीं हैं, कितना अच्छा से है मतलब हमने इसको मसालों के साथ भून लिया है। तो इस तरह से आप ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, और थोड़े से मतलब 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे मसाले, एक छोले मसाले हमने डाल दिया है। आप लोग गरम मसाले भी इसमें डाल करके बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए पानी थोड़ा डाल देंगे, पानी डाल करके जितना आप लोगों को ग्रेवी रखना है उतना पानी डाल दीजिएगा। और मैं थोड़ा लटपट बनाऊंगी जिससे जो प्याज में ग्रेवी पूरा मिली रहे, इस टाइप से बनाऊंगी। इसलिए मैं देखिए ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं की हूँ, मैं 1/2 गिलास करीबन पानी इसमें इस्तेमाल की हूँ। और इसको बाद ग्रेवी हम मतलब एकदम अच्छे से मिला लिए। अब इसमें जब थोड़ा सा जब उबाल आए तब हम लेंगे प्याज। देखिए आप लोग ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो जब इस तरह से हो जाए तब इसमें प्याज लेंगे। और प्याज देखिए इस तरह से बीच में हमने कट कर दिया है, तो इस तरह से आप लोग कट कर देंगे तो जो ग्रेवी है ना, तो इस मतलब जो मतलब मसाले ग्रेवी है इस प्याज में अच्छे से भीग जाएगा। तो इधर देखिए हमने उबाल आ गया, तो मतलब प्याज को इसमें मसाले में डाल दिया है, और डाल करके इसके ऊपर से थोड़ा और डाल देंगे हरा मिर्चा इस तरह से, और इसको ढक करके पकाएंगे जो प्याज में अच्छे से मिल जाएगा
तो इसको मैं ढक दूंगी और ढक करके ऐसे ही 5 मिनट में छोड़ दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद देखते हैं, तो फ्रेंड्स हमने इसको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। आ तो आप लोग देख पा रहे हैं जो ये प्याज है कितना मतलब अच्छा लग रहा है, खिल गया है और इसमें जो ग्रेवी है अच्छे से मतलब समा गया है। और देखिए थोड़ी गाढ़ी भी ग्रेवी हो गई है। तो ये हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया। इसी तरह से मेरी सब्जी हमको चाहिए था कि प्याज की इस तरह से मिली मतलब मिला हुआ ग्रेवी में, इस तरह से सब्जी हमको बनाना था। तो आप लोग जिस तरह से भी ग्रेवी बना सकते हैं, गाढ़ा पतला। तो देखिए उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह से प्याज की सब्जी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं प्लेट में भी निकाल दे रही हूँ और प्लेट में भी निकाल कर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। एक बार इस सब्जी को आप जरूर ट्राई कीजिए, प्याज की बहुत ही अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर देंगे, और अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो देखिए हमारी प्याज की सब्जी बनके तैयार हो गई है। थैंक यू।